एक बात सुन लें, जो बात मैं कह रहा हूं ना इसके पीछे कोई कश्फ है, ना इसके पीछे कोई मेरा ख्वाब है, ना इसके पीछे मेरा कोई कश्फ है, ना मेरा कोई मुशाहदा है, ना कोई कवी दलील है, बस एक वहम है, बस एक वहम है, ख्याल है, एक मुताला है, बस उस मुताले की रोशनी में ख्याल है कि जब ऐसे वाकयात और ऐसे अल्लाह की कुदरत के करिश्मे और आका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की करम नवाजियां मोजज़ात हुजूर के अगर जाहिर होने लग जाएं, तो उसके बाद बाज़ लोगों का ज़माना इस दुनिया में ज़्यादा ज़माना हयात नहीं रह जाता, फिर वो लोग उठा लिए जाते हैं। इसके पीछे कोई दलील, कोई कश्फ, कोई ख्वाब, कोई अमर, कोई हुक्म, कोई इशारा नहीं है, बस ऐसा जो कुछ देखा पढ़ा उसकी रोशनी में ख्याल है, जो बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसी अलामतें जाहिर होने लग जाएं तो शायद ज़्यादा ज़माना नहीं रह जाता। इसलिए आप यूं समझें कि आपके पास वक्त कम है, अगर कोई नज़ारा मुस्तफ़वी इनकलाब का और तहरीक और तजदीद दीन और ग़लबा दीन हक की कामयाबी और उरूज का कोई नज़ारा मेरी ज़िंदगी में मेरी आंखों को दिखाना चाहते हैं तो रात दिन मर मिट जाएं और कभी गफलत न करें। अगर चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई नजारा दिखा लें तो जितनी मेहनत इस वक्त तक की है इससे 100 गुना मेहनतों को बढ़ा लें ताकि मैं भी रुखसत होने से पहले वो नजारा आंखों से देख कर जाऊं। और आपको दुआएं देकर जाऊं कि बारी ताला मेरे इन कारकुनों ने वो काम कुर्बानियां दे के कर दिया है जो लोग सदियों में 100-100 साल में किया करते हैं, इन्होंने मेरी जिंदगी में मेरी आंखों में वो नजारा दिखा दिया है। ये बात मैंने इसलिए की है कि मेरे ये जुमले आपके कानों में हर वक्त गूंजते रहें, दिलो दिमाग में हर वक्त आवाज देते रहें, झंझोड़ते रहें और आपको गफलत ना गाफिल ना होने दें। क्या बोलिए? गाफिल ना होने दें और ये समझें कि जो किया है वो बहुत कम है।